हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार शर्मा, पीटर टॉपिक की स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर जो भी वीडियो आता है, विशेष एग्जाम का पर्पस होता है, जो भी कोई भी टॉपिक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, उसी टॉपिक के सीरीज में आपका फाइल है। फाइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आईटीआई विद्यार्थी के लिए जानना। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या कर चुके हैं, कोई भी काम हम पहले वॉइस पे फाइल द्वारा ही करते हैं, तभी जाके हमारा कार्य पूरे होता है। तो फाइल के बारे में हम जानेंगे, फाइल होता कितने प्रकार का है और फाइल में क्या क्या दोषे आते हैं और फाइल कहते किसको हैं। पहला नंबर जानेंगे फाइल होता क्या है। फाइल जो है एक कटिंग टूल्स है। फाइल क्या है भैया? एक कटिंग टूल्स है जिसका उपयोग जो होता है धातु को घिसने में या धातु को घिसने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? धातु को घिसने में किया जाता है। फाइल में बहुत मेहनतें होती हैं। फाइल जो होता है अधिकतर हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किस धातु का बना होता है भैया? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अब देखते हैं फाइल होता कैसे। ये देख लीजिए, फाइल में विभिन्न भाग होते हैं। फाइल में क्या होते हैं? विभिन्न भाग होते हैं। पहला देखिएगा, आगे वाले भाग को टिप या पॉइंट कहते हैं। इसको एज कहते हैं, जो इसकी चौड़ाई होती है उसे क्या कहते हैं? एज कहते हैं। जो भाग हैंडल के अंदर होता है, जो उसमें हैंडल ठोका जाता है, वो जो होता है क्या कहलाता है? टैंक कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? टैंक कहलाता है। और ये तो देखिए हील, ये स्टार नुमा फाइल में बना होता है, जो हील कहलाता है। क्या कहलाता है? हील कहलाता है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? फेस कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? फेस कहलाता है। और ये जो दोनों भाग ऐसे मुड़ के हुए हैंडल में जाते हैं, वहां क्या कहलाता है? शोल्डर, मैंने एक तरह का कंधा कहलाता है। और ये वाला भाग तो आप जानते ही हैं, हैंडल कहलाता है। अब आपसे पूछा जाता है कि फाइल की लंबाई देखिएगा, मैं यहां से आपको कंप्लीट करते चलूंगा। फाइल की लंबाई कैसे ली जाती है? तो फाइल की लंबाई जो है टिप या पॉइंट से लेके हील तक ली जाती है। ये जो है इस दूरी से लेके यहां तक जो होती है फाइल की लंबाई जो है ली जाती है। आपका एक क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गया, फाइल की लंबाई कैसे ली जाती है? तो टिप या पॉइंट से लेके हील तक ली जाती है। अब आपसे पूछा जाता है कि फाइल का कौन सा भाग हार्ड ऑन टेप पर नहीं होता है। फाइल का कौन सा भाग हार्ड ऑन टेप पर नहीं होता है? तो आप बताएंगे कि टिप से लेके या पॉइंट से लेके हील तक जो होता है हार्ड ऑन टेप पर होता है। इसके पीछे वाला भाग टैंक हार्ड ऑन टेप पर नहीं होता। जो भाग हैंडल में फिट होता है उसे हम क्या कहते हैं? टैंक कहते हैं। जो हार्ड ऑन टेप पर नहीं होता है, आपसे पूछा जाएगा टैंक को छोड़कर कौन सा भाग हार्ड ऑन टेप पर होता है, तो आप बताइएगा पॉइंट से लेके हील तक। क्वेश्चन घूमते रहेंगे, बस आपको आंसर देना होता है। अब आपसे पूछा जाएगा पिनिंग दोष भी होता है फाइल में। पिनिंग जो होता है फाइल में, धातु को घिसने के बाद फाइल के दांतों में छोटे छोटे चिप्स आ जाते हैं। फाइल के दांतों में क्या होते हैं? छोटे छोटे चिप्स फंस जाते हैं, उन्हें हम पिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पिनिंग कहते हैं। कहने कहते हैं कि फाइल के दांतों में चिप्स का फंसना है कौन सा दोष कहलाता है? पिनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पिनिंग कहलाता है। अब पूछा जाता है फाइल में कन्विसिटी क्या है? फाइल में कन्विसिटी जो होता है, फाइल में जो बीच में उभरा हुआ दांत होता है, वही फाइल की कन्विसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? कन्विसिटी कहलाती है। देखिएगा, फाइल का वर्गीकरण चार आधार पर किया गया। कितने आधार पर किया गया भैया? चार आधार पर। कौन सा? शेप, आकार, ग्रेड, कट और लंबाई। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में फाइल का वर्गीकरण कितने आधार से किया जाता है, तो फाइल का वर्गीकरण जो होता है चार आधार पे किया जाता है। कौन कौन से होते हैं भैया? आकार, ग्रेड, कट, लंबाई। अगर इंग्लिश में बात करें शेप, ग्रेड, कट और लेंथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेप के, आकार के। आकार के अनुसार फाइल छह प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? आकार के अनुसार छह प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है?
पहला होता है फ्लैट फाइल, दूसरा होता है राउंड फाइल, और तीसरा होता है हाफ राउंड फाइल, चौथा होता है ट्रेंगुलर फाइल, और पांचवा होता है हैंड फाइल, और छठा होता है केनाइफ फाइल। अब एक एक करके आपको हम बताते चलते हैं। हाँ, तो पहला हो गया हमारा फ्लैट फाइल। कौन सा फाइल हो गया भैया? फ्लैट फाइल। शेप माने आकार, आप समझ रहे होंगे शेप माने क्या होता है? आकार। जैसे पहचानते हैं कि टिंकू काला है और अमित गोरा है, उसी तरह जो है उसके चेहरे को देख के हम लोग बता देते हैं ना कि टिंकू काला है, उसी तरह शेप के अनुसार इसको पहचान सकते हैं ना। आप देखिए यहाँ पे, उसी तरह फाइल को जो है शेप से उसके देख के हम लोग पहचान लेंगे कि ये कौन सा फाइल है। पहला बात आता है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल होता कैसे है? वेरी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन होगा। आकृति के अनुसार फाइल कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन जो होता है आयतनुमा होता है। एक नंबर यहाँ पे आपका हो गया। फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? आयतनुमा होता है। आयतनुमा होने के कारण इसका उपयोग होता है प्लेन सतहों पे किया जाता है, या फ्लैट जगहों पे इसके फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हो गया राउंड फाइल। देखिए यही याद रखना है, जो आपको बता रहे हैं वही याद रखना है, बस क्रॉस सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। राउंड फाइल, राउंड फाइल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार होने के कारण ये जो होता है रेड टेल फाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेड टेल पूछ फाइल भी कहते हैं, है ना। अब आ गया हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड का करेक्शन कैसा होता है? अर्धवृत्ताकार होता है। अर्धवृत्ताकार माने आधा चांद नुमा बोल सकते हैं इसको। अब आ गया ट्रेंगुलर फाइल। हाफ राउंड का उपयोग, जैसे राउंड फाइल का उपयोग आप कहां करेंगे? तो राउंड जगहों को माने वृत्ताकार छिद्रों को फाइलिंग करने के लिए, है ना। अगर जो आप बात करते हैं हाफ राउंड की, तो जहां अर्धवृत्ताकार या वृत्तनुमा बड़ा जॉब हो उसको फाइल करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं ट्रेंगुलर फाइल का। ट्रेंगुलर फाइल का क्रॉस सेक्शन होता कैसे है? त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार। कैसा होता है भैया? त्रिभुजाकार। इसमें तीनों भुजाएं जो होती है 60 डिग्री पर आपस में मिलती है। कितने पर मिलती है भैया? 60 डिग्री पर आपस में मिलती है। त्रिभुजाकार फाइल का उपयोग होता है ट्रेंगल नुमा या भी नुमा ग्रुप में फाइलिंग करने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? ट्रेंगुलर फाइल का प्रयोग करते हैं। अब आइए हैंड फाइल। हैंड फाइल का भी क्रॉस सेक्शन जो होता है आयताकार होता है। हैंड फाइल का भी क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है। और केनाइफ फाइल, देखिए अभी दो आपको हम समझाने वाले हैं बहुत स्पष्ट तरीकों से। पहला और पांचवा को अभी कंप्रोमाइज सिखाएंगे आपको। केनाइफ फाइल, चाकू नुमा फाइल, इसका जो होता है क्रॉस सेक्शन चाकू की तरह होता है, मतलब त्रिभुजाकार होगा, चपटा होगा, त्रिभुजाकार होगा लेकिन चपटा होगा एकदम। ये जो होता है चाकू की तरह होता है। नाइफ फाइल से समझ ही रहे हैं, इसका उपयोग जो होता है चाभी घाट बनाने में किया जाता है। अब समझेंगे हम लोग फ्लैट फाइल और हैंड फाइल में अंतर क्या है। देखिएगा, फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन भी आयताकार है और हैंड फाइल का भी क्रॉस सेक्शन आयताकार है। अब जब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइल के कितने भाग समानांतर और कितना भाग टेपर होता है, किसी भी फाइल अधिकतर फाइल का 2/3 भाग समानांतर और 1/3 भाग जो होता है टेपर होता है। क्या होता है भैया? 2/3 भाग समानांतर होता है मतलब बराबर होता है, 1/3 भाग ये जो होता है टेपर होता है, ये 2/3 भाग क्या होता है? समानांतर होता है, चाहे कोई भी फाइल हो आपको याद रखना है, है ना। सब फाइल में हमने बताएंगे। अब बात करते हैं इसकी फ्लैट फाइल और हैंड फाइल में अंतर क्या होता है, कैसे पहचान। फ्लैट फाइल का 2/3 भाग समानांतर होता है और 1/3 भाग टेपर होता है। कहने का अर्थ है ये फाइल जो है इस आकृति का आपको दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? इस आकृति का जो आपको बोर्ड में दिखाया गया है, ऊपर वाला भाग टेपर होगा, कितना होगा? 1/3 भाग टेपर होगा और 2/3 भाग क्या होगा हमारा? समानांतर होगा।
अब जब बारी आती है हैंड फाइल की, हैंड फाइल को दूसरा फाइल के नाम से भी जानते हैं जिसे हम सेफ हेज फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेफ हेज फाइल कहते हैं जिसका उपयोग जो होता है सेफ हेज फाइल, इसलिए कि ये जो होता है पूरी चौड़ाई में, पूरी लंबाई में और चौड़ाई जो होती है बराबर होती है, पूरी लंबाई में हैंड फाइल जो होती है पूरी लंबाई और पूरी चौड़ाई में एक समानांतर होती है, लेकिन मोटाई में आगे आके टेपर हो जाता है। कहने का अर्थ है ऐसा होता है। ये इस तरह का होता है हैंड फाइल। इसमें एक एज पे दांते कटी होती है और एक एज पे दांते नहीं कटी होती है। और ये भाग जो होता है यहां पतला होगा, यहां आके क्या होगा मोटा होगा, लेकिन चौड़ाई क्या हो गया समानांतर होता है। ये पूछता है एग्जाम में, अब थोड़ा सा गहराई से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ये हो गया आपके हैंड फाइल। हैंड फाइल को दूसरा नाम से भी जानते हैं, कौन सा फाइल के नाम से जानते हैं? सेफ हेज फाइल के नाम से जानते हैं। नाइफ फाइल तो आप बता ही दिए, अब हैंड फाइल का उपयोग कहां करते हैं? कोन नुमा जॉब, कोन नुमा जॉब में। मान लीजिए यहाँ फाइलिंग करना है तो ये भाग आपका खराब होगा कि नहीं होगा अगर फ्लैट फाइल से फाइलिंग करेंगे तो? क्योंकि फ्लैट फाइल के दोनों किनारों पर क्या होती है दांते कटी होती है ना, तो इसलिए इन जगहों पर एंगल नुमा जॉब मैंने कोनेदार जगहों पर फाइलिंग करने के लिए जहां एक केज हमारा बचा रहे वहां पर कौन सा फाइल का उपयोग करते हैं? हैंड फाइल का उपयोग करते हैं। अब ये हमारा हो गया आकार के अनुसार। आकार के अनुसार फाइल छह प्रकार के थे। अब बात करते हैं ग्रेड। मैं आपको बता रहा हूं, मैं वही चीज बताता हूं जो एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। वृतांत नहीं सुनाऊंगा ना ही बता पाऊंगा मैं, बस जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अब बारी आती है ग्रेड की। ग्रेड होता क्या है? फाइल में एक सेंटीमीटर या एक इंच में दांतों की संख्या जो होती है फाइल में ग्रेड कहलाती है। यह आपसे पूछा जाएगा फाइल में आप ग्रेड क्या है, तो फाइल में एक सेंटीमीटर या एक इंच में दांतों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? ग्रेड कहलाती है। मुझे उम्मीद है आप कभी नहीं भूलिएगा। अब देखिएगा, ग्रेड के अनुसार फाइल पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के होते हैं। पहला है रफ फाइल, दूसरा है बस्टर्ड फाइल, तीसरा है सेकेंड कट फाइल, और चौथा है स्मूथ फाइल, और पांचवा है डेड स्मूथ फाइल। क्या है भैया? डेड स्मूथ फाइल। अब देखिए प्रति सेंटीमीटर में जो है ये जो दांतों की संख्या दी गई है जो है प्रति सेंटीमीटर दी गई है। हमारे जो ने जो ये चार्ट बनाया है प्रति सेंटीमीटर, बहुत एग्जामों में पूछा जाता है बस्टर्ड फाइल में प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आप 10 मारिएगा, लेकिन यहाँ तो हम लोग दिए हैं 10 से 12 दिए हैं। ऑप्शन के अनुसार आप याद रखिएगा। रफ फाइल, ग्रेड आपको समझ में आ गया। रफ फाइल इसमें दांते जो होती है 8 से 10 होते। कितने दांते होते भैया? 8 से 10 होते। जिसमें दांता जितना कम रहेगा वो क्या है ज्यादा मात्रा में, जिसे एक सेंटीमीटर में दांतों की संख्या कम रहेगी या एक इंच में दांतों की संख्या जितना कम रहेगा वो उतना ही ज्यादा घिसेगा। क्या होगा? उतना ही ज्यादा घिसेगा। ज्यादा महीन दांत है तो चबाने में टाइम लगेगा, बड़ा बड़ा दांत रहेगा एकदम बकोट के खा लेंगे, वही वाला हाल है इसका। ठीक है, अब देखिएगा रफ फाइल याद कर दीजिएगा। रफ फाइल में 8 से 10 दांते होती है प्रति सेंटीमीटर। ये जो होता है अधिक मात्रा में धातु को घिसने के लिए। दूसरा नंबर है बस्टर्ड फाइल। बस्टर्ड फाइल में प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या जो होती है 10 से 12 होती है। इसका उपयोग जो होता है रफ फाइल से न करें, रफ फाइल के से कम मेटल काटने के लिए जो होता है 10 से 12 बस्टर्ड फाइल का उपयोग किया जाता है। तीसरा है सेकेंड कट फाइल। सेकेंड कट फाइल का में जो होती है प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या जो होती है 14 से 16 होती है। इससे मतलब कम मात्रा में फाइलिंग करना होगा तो सेकेंड कट फाइल का उपयोग करेंगे। चौथा है स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 से 24। इसका उपयोग जो होता है फिनिशिंग कार्यों में किया जाता है। इसमें बहुत कम मात्रा में धातु को घिसने के लिए इसमें दांतों की संख्या बढ़ जाए 20 से 24। नेक्स्ट है डेड स्मूथ फाइल। ये लास्ट फाइल है। डेड स्मूथ फाइल जो होती है प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या जो होती है 28 से 35 होती है। इसमें क्या उपयोग होता है? बहुत अंतिम फिनिशिंग देने के लिए जो होता है डेड स्मूथ फाइल का उपयोग करते हैं।
अब हम बात करते हैं कट की। कट मार्कर नहीं चलता है। कट कट जो होता है फाइल में, कट होता क्या है देखिए, फाइल में कट होता क्या है, फाइल में देखिएगा दांते बने होते हैं। दांते बनने के लिए एक निश्चित कोण पे कटता है। क्या होता है, दांते बनने के लिए जो होता है एक निश्चित कोण बनाता है, दांते बनने के लिए निश्चित कोण बनाता है, वही जो होती है फाइल में कट कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, कट कहलाता है। फाइल में दांते बनने के लिए देखिएगा एक निश्चित कोण बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, कट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कट कहते हैं। देखिएगा ये जो ऐसे तीसरा तीसरा जा रहा है ना, ये क्या कहला है, कट कहलाता है। अब कट के अनुसार फाइल कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के। पहला होता है सिंगल कट फाइल, दूसरा होता है डबल कट फाइल, तीसरा होता है स्पाइरल कट फाइल, और चौथा होता है कर्व कट फाइल, और पांचवा होता है रास्प कट फाइल। पहला देखिएगा सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल में जो होता है, सिंगल ऐसे धार बने होते हैं। ये जो पूछा जाता है, सिंगल कट दांते जो होते हैं कितने, अपने आप से कितने डिग्री के कोण पर कटे होते हैं, तो 60 डिग्री। कितने कटे होते हैं, 60 डिग्री का। आपको याद होना चाहिए सिंगल कट फाइल जो होता है अपने आप से जो होता है 60 डिग्री के कोण पर बना होता है। सिंगल कट फाइल का उपयोग होता है मुलायम धातुओं को खींचने के लिए करते हैं, जैसे आपको एल्यूमिनियम। आपसे बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है कि एल्युमिनियम के फाइलिंग के लिए कौन से कट का फाइल का उपयोग कीजिएगा, तो आप सिंगल कट फाइल बताइएगा। एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, जितना भी नरम धातु है उसके लिए जो है सिंगल कट फाइल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं डबल कट। डबल कट फाइल जो होता है, इसमें दांते जो होते हैं दोनों तरफ से बनते हैं, एक दूसरे के विपरीत क्रॉस करता है। जैसे ये इसमें जो दांते बने हुए हैं इसको क्रॉस करते हुए, ये क्या कहला है, डबल कट कहला है। क्या कहला है, डबल कट कहला है। इसमें प्रथम कट, डबल कट में जो होती है एक दूसरे के विपरीत दांते कटती है, इसमें जो होता है प्रथम कट 70 डिग्री, प्रथम कट 70 डिग्री और दूसरा कट जो होता है 51 डिग्री का होता है। ठीक है ना दोस्तों, प्रथम कट 70 डिग्री और दूसरा कट जो होता है 51 डिग्री का होता है। प्रथम कट जो होता है ओवर कट कहलाता है। प्रथम कट याद करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, प्रथम कट जो होता है ओवर कट कहलाता है, और द्वितीय कट जो होता है, दोहरी कट जो होती है, दूसरी कट जो इसमें कटी होती है उसको अप कट कहते हैं। कौन से कट कहते हैं भैया, अप कट कहते हैं। प्रथम कट कितने डिग्री पर, 70 डिग्री पर, दूसरी कट 51 डिग्री पर। यह हो गया सिंगल कट और डबल कट। ऐसे याद कर भी सकते हैं आप, है ना। अब देखिएगा स्पाइरल कट फाइल। स्पाइरल माने क्या, घुमावदार, वृत्त नुमा माने राउंड, राउंड फाइल में देखिएगा वृत्त नुमा कटा होता है ना, तो वृत्त नुमा जो दांते कटी होती है वो कट कहलाती है स्पाइरल कट। क्या कहलाती है, स्पाइरल कट। क्या कहलाती है भैया, स्पाइरल कट फाइल। इसका उपयोग ये होता है वृत्त नुमा जो वो पर, वृत्त नुमा फाइलों पर किया जाता है इस कट का, तो जाहिर सी बात है कि वृत्त नुमा जो फाइलिंग करने में इसका उपयोग होगा इस कट फाइल का। अब नेक्स्ट बारी आती है कर्व कट फाइल। कर्व कट फाइल, कर्व कट फाइल जो होता है घुमावदार होता है, माने हाफ राउंड नुमा होता है, हाफ राउंड होता है। हाफ राउंड होने के कारण इसका उपयोग होता है अधिकतर जो होता है अर्ध राउंड फाइलों पर, अर्ध कहने का अर्थ है हाफ राउंड फाइलों पर किया जाता है, कर्व कट फाइल कहते हैं। कर्व कट का फाइल का उपयोग जो भी होता है जो है नॉन धातुओं की फाइलिंग करने के लिए किया जाता है, या इसको कर्व कट फाइल को हम जो तो विक्सन फाइल भी कहते हैं। लास्ट है रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल जो होते हैं इसकी दांते जो होते हैं नोकीली होती है। इसमें जो है फाइल के अंदर से खुरेद के, पंच द्वारा खुरेद के उभारा जाता है ऊपर की तरफ, जो इस तरह का नोकीला होता है ना। इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग जो होता है रास्प कट फाइल का उपयोग जो होता है लकड़ियों की फाइलिंग करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि लकड़ियों की फाइलिंग के लिए कौन से फाइल का उपयोग करते हैं, तो रास्प कट फाइल एल्युमिनियम की फाइलिंग के लिए, कौन से फाइल, सिंगल कट फाइल और
हार्ड जॉब की फाइलिंग करने के लिए डबल कट फाइलिंग का प्रयोग करते हैं। रास्प कट आपको याद होगा, किसके लिए? लकड़ी के लिए। अब बारी आती है, अच्छा एग्जाम में बहुत फंसाता है, देखिएगा। सेकेंड कट और डबल कट, आप सबको लिख देगा कि सेकेंड कट फाइल होता है कौन, किस में आता है, ग्रेड में आता है या कट में आता है। तो आप याद रखिएगा, सेकेंड कट जब लिखे तो आपको ग्रेड बनाना है, किस में है, ग्रेड में। यही डबल कट लिखे तो ये क्या हो जाता है, कट में हो जाता है, किस में, दोहरी कट, हिंदी में उसको बोलते हैं दोहरी कट, इसको हिंदी में भी सेकेंड कट ही बोला जाता है। तो आप समझ जाइएगा, अगर सेकेंड कट लिखे तो ग्रेड में है और डबल कट है तो किस में है, कट में। फाइल किस ग्रेड में है, कट में है, डबल कट और सेकेंड कट जो है ग्रेड में आता है, ठीक है। अब लास्ट बारी आती है लेंथ की, लंबाई की, लंबाई की आवश्यकता है ना, तो फाइल खरीदिएगा तो लंबाई बताना पड़ेगा कितने साइज का है। फाइल अधिकतर जो होते हैं आपको मालूम है कि फाइल की लंबाई कैसे लेते हैं, टिप और पॉइंट से लेके हिल तक लेते हैं, आपको शुरू में ही बता दिया मैंने। अब जो है फाइल के न्यूनतम साइज जो होता है, फाइल का न्यूनतम साइज 100 mm, फाइल का न्यूनतम साइज कितना हो गया भैया, 100 mm, और अधिकतम हो गया 450 mm। पूछा जाएगा फाइल अधिकतर कितनी लंबाई तक मिलता है, तो आप कितना मानिएगा, 450 mm तक। ऐसे मिलने के लिए कौन कौन सा साइज मिलता है, 100, 200, 250, 300, 350, 400। तो ये क्या हो गया, 100 जो हो गया न्यूनतम साइज हो गया और 450 mm जो हो गया अधिकतम साइज हो गया। हमें नहीं लगता कि फाइल में कोई चीज छूटा हो, अगर आप छूटा हो तो मेरे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मुझसे जुड़ने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल फिटर टॉपिक स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें।